हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम प्रजामंडल आंदोलन, इससे संबंधित प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक कर दें। पहला क्वेश्चन है, बीकानेर प्रजामंडल इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं 1931, 33, 34 और 36। तो करेक्ट आंसर है इसका 4 अक्टूबर 1936 को मघाराम बैद, जो कि पंडित मघाराम बैद के नाम से जाने जाते हैं, पंडित मघाराम बैद, इनकी अध्यक्षता में गठित हुई थी, जिसमें श्री भिच्छालाल बोहरा, सुरेंद्र कुमार शर्मा, शेरा राम, लक्ष्मण दास मंत्री, ये सब सहयोगी रहे थे। बीकानेर नरेश गंगा सिंह ने पंडित मघाराम को रियासत से निष्कासित करके प्रजामंडल का शैशव काल में ही दमन कर दिया था। उस टाइम बीकानेर नरेश थे गंगा सिंह, ठीक है, जिन्होंने ये जो पंडित मघाराम बैद थे इनको अपने राज्य से बाहर कर दिया था और इसका जो प्रजामंडल था इसका दमन हो गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936 को हुई थी, पंडित मघाराम बैद के द्वारा की गई थी। और आपको तीन नाम और याद रखने हैं आप इसमें, श्री भिच्छालाल बोहरा, सुरेंद्र कुमार शर्मा, शेरा राम और लक्ष्मण दास, ये भी बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित हैं। बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित मघाराम बैद, इन्होंने ही 1936 में इसकी स्थापना की थी। तो पहले अध्यक्ष मघाराम बैद थे। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट, जैसलमेर राज्य प्रजामंडल, इसकी स्थापना मीठालाल व्यास ने की थी, बिल्कुल सही है। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल, इसकी स्थापना भोगीलाल पांड्या ने की थी, इसलिए ही भोगीलाल पांड्या को गांधी कहा जाता है, बांगड़ का गांधी, ठीक है। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, इसकी जयनारायण व्यास ने, जो कि गलत है, क्यों? क्योंकि बीकानेर राज्य परिषद की जो स्थापना थी वो मघाराम बैद के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला है झालावाड़ राज्य प्रजामंडल, झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से संबंधित है कन्हैया लाल मित्तल। बाकी के तीनों सही हैं, केवल थर्ड ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो हमारा यही पूछा था सही सुमेलित कौन सा नहीं है, थर्ड सही सुमेलित नहीं है। किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जाता है कि किसकी स्थापना राज्य के बाहर की गई थी। ठीक है, तो राज्य के बाहर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में निवास करने वाले बीकानेर राज्य के निवासियों मघाराम बैद, लक्ष्मी देवी आचार्य, श्री राम आचार्य ने मिलकर बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी। इसका अध्यक्ष बनाया गया था लक्ष्मी देवी आचार्य को, लक्ष्मी देवी आचार्य को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। कलकत्ता में स्थापित बीकानेर प्रजामंडल ने सर्वप्रथम बीकानेर के संबंध में एक पुस्तिका निकाली थी, बीकानेर की थोती पोथी, बीकानेर की थोती पोथी, इस नाम से इस प्रजामंडल ने एक पुस्तक निकाली थी बीकानेर के ऊपर, बीकानेर के प्रजामंडल के टाइम पर। ठीक है, लक्ष्मी देवी आचार्य को इनका अध्यक्ष बनाया गया था प्रजामंडल का, और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। ठीक है, 1936 में मेघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो कोलकाता में स्थापना की थी बीकानेर प्रजामंडल की, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कोलकाता में मघाराम बैद ने कलकत्ता प्रजामंडल की स्थापना की थी। अगला है, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है, अब पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो कांगड़ कांड ये बीकानेर प्रजामंडल के दौरान घटित हुआ था, इसलिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं इसकी, बीकानेर के किसान आंदोलन के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है ये कांगड़ा कांड रतनगढ़। इसमें जागीरदारों के अत्याचार से ये किसान आंदोलन उपजा था। 1946 में खरीफ की जो फसल नष्ट हुई थी उसके कारण अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी। अकाल पड़ने के बाद भी किसानों से कर लिया गया जबरदस्ती। कांगड़ के लगभग 35 किसान महाराजा को याचिका देने पहुंचे थे बीकानेर। जागीरदारों के जो आदमी थे उन्होंने उनसे लूटपाट की, जहां उनके साथ अमानवीय अत्याचार किए गए थे। 1948 में बीकानेर में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी। ठीक है, 30 मार्च 1949 को बीकानेर राज्य के राजस्थान में विलय के साथ ही बीकानेर में राजतंत्र खत्म हो गया था। 20 फरवरी 1944 को अलवर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, 20 फरवरी
1944 को अलवर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 5 फरवरी 1947 को भरतपुर में प्रजा परिषद के नेतृत्व में बेगार विरोधी दिवस मनाया गया था। पूछा जा सकता है आपसे कि बेगार विरोधी दिवस कब मनाया गया था? बेगार विरोधी दिवस कब मनाया गया था? 5 फरवरी 1947 को। कहाँ पर मनाया गया था? भरतपुर में मनाया गया था बेगार विरोधी दिवस, ठीक है, 5 फरवरी 1947 को। तो कांगड़ कांड कहाँ से संबंधित है? ये बीकानेर से संबंधित है, जहाँ पर जागीरदारों के जो गुंडे थे उन्होंने किसानों के साथ अमानवीय यात्रा की थी। 35 किसान थे जो कि बीकानेर में करों के विरुद्ध याचिका देने पहुँचे थे। तो आपको बीकानेर याद रखना है, कांगड़ कांड। 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजा मंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? करेक्ट आंसर है इसका बलवंत सिंह मेहता। ये मेवाड़ प्रजा मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। मेवाड़ प्रजा मंडल माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से 24 अप्रैल 1938 को बना था, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से ये बना था 1938 में। अध्यक्ष इसके बलवंत सिंह मेहता थे। उपाध्यक्ष अगर पूछा जाए तो भूरे लाल बया को बनाया गया था। ये थर्ड ऑप्शन में है, भूरे लाल बया ये उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष, ठीक है। महामंत्री कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। नवंबर 1941 को प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें जेबी कृपलानी और श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था। जब मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित किया गया, तब कार्यालय पर ताला लगाकर मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में 11 अक्टूबर 1938 को नाथद्वारा से सभी ने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, जो महात्मा गांधी के परामर्श पर 3 मार्च 1939 को स्थगित हुआ। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है यहाँ पर कि इसमें जे बी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था। मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन था, कब हुआ था ये? 1941 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, अधिवेशन के, ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा। तो उसमें जे बी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था। इसके बाद मेवाड़ प्रजामंडल को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया और 11 अक्टूबर 1938 को नाथद्वारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जिसको महात्मा गांधी के परामर्श पर समाप्त किया गया। माणिक्यलाल वर्मा थे, इन्होंने अजमेर से मेवाड़ का वर्तमान शासन इस नाम से पुस्तिका प्रकाशित की थी, जिसने मेवाड़ के कुशासन की पोल खोल दी थी। तो ये आपको याद रखना है, मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अध्यक्ष था वो बलवंत सिंह मेहता था, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा।